हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर के एक न्यू अपडेट आई है, जिसमें लिखा गया है कि नीट के लिए 1-2 दिन में शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। तारीखों का पहले ही हो चुका है ऐलान। कोरोना के चलते वर्ष 2020 में यह परीक्षा सितंबर में हुई थी, जो कोरोना संकट काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसमें करीब 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार परीक्षा की तारीखों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये क्यों डिले हो रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेडिकल में प्रवेश से जुड़ी नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। अगले 1-2 दिन में ही देश भर में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फिलहाल इसकी तैयारी पूरी कर दी है, साथ ही संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नीट परीक्षा का लेकर एनटी तारीख का ऐलान पहले ही कर चुका है, इसके तहत यह परीक्षा इस बार 1 अगस्त को होने वाली है। तो दोस्तों, 1 अगस्त को ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन डिले इसी कारण हुआ है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया जाए या ना किया जाए, और किया जाए तो किस ढंग में वो किया जाए। पहले भी सोशल मीडिया पर एक नोटिस जो है वो वायरल हुआ था, जिसके अंदर बोला गया था कि हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 आपको मैंडेटरी होंगे और 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन दोस्तों, एनटीए ने एक नोटिस जारी करके बताया कि वो नोटिस जो था वो पूरी तरीके से फेक था। तो दोस्तों, अभी हो सकता है कि उसी के ऊपर चर्चा चल रही हो, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए, और दोस्तों उसी के कारण आपकी ये प्रक्रिया डिले हो रही है। और कोरोना काल भी दोबारा से चल चुका है दोस्तों, लेकिन अपना एग्ज़ाम जब वो 1 अगस्त को है तो वहाँ तक ज़रूर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस ना के इक्वल है, तो दोस्तों उसके बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचिएगा और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। मॉक टेस्ट वगैरह भी आप देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और दोस्तों, पेपर के लेवल को लेकर बात हुई थी, एनटीए डायरेक्टर विनीत जोशी ने बोला था कि अब की बार जो है हम पैटर्न उस तरीके से बनाएंगे जिसके अंदर टफ क्वेश्चन हम नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन से एग्ज़ाम का लेवल हाई नहीं होता है, एग्ज़ाम का लेवल अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन वो डालें जो कि सिलेबस के अंदर से हों, लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन हों। तो दोस्तों, आप जो है कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करके जाएं और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करें, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू।